अब तक कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता था कि खांसने या छींकने या ज़ोर से बोलने से मरीज़ के मुंह नाक से खारिज होने वाले ज़र्रात से ये वायरस दूसरे शख्स को शिकार करता है। मगर अब 12 मुल्कों के 250 के करीब साइंसदानों का कहना है कि ये वायरस हवा के ज़रिए इन्फेक्शन फैलाता है और बंद जगहों पर भी इससे बचने के लिए एहतियात करना चाहिए। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 12 मुल्कों के 239 साइंसदानों ने आलमी इदारे सेहत के नाम एक लेटर लिखा, जिसमें कहा गया है कि वायरस से बचने के लिए अपनी हिदायतों पर दोबारा गौर करें। इन साइंसदानों का कहना है कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है, यानी वायरस के ज़र्रात बंद जगहों में गर्दिश करते हैं और सांस लेते हुए ये ज़र्रात इंसानी जिस्म के अंदर जा सकते हैं। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि वायरस सांस के ज़रिए छोटे छोटे कतरों की शक्ल में बाहर निकलते हैं और दूसरे शख्स को शिकार करते हैं, यानी मरीज़ के खांसने और छींकने से ये कतरे बाहर आ जाते हैं। ये इंतहाई छोटे और बारीक होते हैं, इसलिए जल्द हवा में मिल जाते हैं। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अगर ये वायरस हवा से फैलता है तो फिर इसको फैलने से रोकने की तदबीर बदल जाएगी और मास्क को घरों के अंदर भी लगाना होगा। अब तक घरों के अंदर मास्क इस्तेमाल नहीं किया जाता था, यहाँ तक कि 6 फीट से दूरी पर भी मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसी तरह वेंटिलेटर्स निज़ाम में भी तब्दीली लाना होगा और हवा की गर्दिश को कम से कम करना होगा। रोज़ाना कोरोना केसेस में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह आम तौर से ये बताई गई है कि कारोबार और दुकानें खुलने से इस वबा के फैलाव में इजाफा हुआ है। अगर इस बात को सामने रखा जाए तो साइंसदानों की बात सही लगती है कि ये वायरस हवा में मौजूद रहता है और बंद कमरों में भी इन्फेक्शन के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता है।